तिपरा पार्टी के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर देव वर्मा ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद का श्वेत पत्र 24 जून को जारी करेगी। इसके जरिए लोगों को वाम मोर्चा के शासनकाल में किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि IPFT तिपराहा, INPT और तिपरा लैंड स्टेट पार्टी का तिपरा से विलय हो चुका है और इस विलय के पीछे कुछ खास उद्देश्य हैं जिनमें तिपरा लैंड, नागरिकता संशोधन कानून का खात्मा और NRC को लागू करना शामिल है। उन्होंने कहा कि तिपरा लैंड को लेकर पार्टी घर घर जाकर कैंपेन करेगी और बिना किसी हिंसा के अपनी विचारधारा का प्रसार करेगी। No, illegal, see, I know that there are a lot of people who are misguided and they say, anyone who is illegal, anyone, if regardless of religion, कोई religion और जात देखकर मैं नहीं बोल रहा, anyone who is illegal, they should not be given the same right as you or me. जो CA निकला, अगर आप देखेंगे इंदिरा मुजीब पैक्ट, अगर आप देखेंगे ATTF अकॉर्ड, आप TNV अकॉर्ड देख लीजिए, असम अकॉर्ड देख लीजिए, आपने उसको छोड़ के आप सामने आ गए। कल क्या गारंटी है कि कट ऑफ ईयर 2025 नहीं होगा? और सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाता है कि कट ऑफ ईयर एक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अंडरस्टैंड कि हमने बहुत झेला है, बहुत झेला हम लोग। आपने CA में मिजोरम को एग्जेम्प्ट किया, आपने मिजोरम ने कितने लिया है, कितने लोगों को लिया है दूसरे देश से? आपने मणिपुर को एग्जेम्प्ट किया इन लाइन परमिट लाकर, आज तक मणिपुर ने कितने लोगों को रखा है? आपने अरुणाचल को एग्जेम्प्ट किया, नागालैंड को एग्जेम्प्ट किया, और जो स्टेट, जो राज्य जिसने पहले से इतने लोगों को लिया है, आपने उनको बोला वापस रखो? ये तो अन्याय है ना, आप उनको भी बोले रखने के लिए दूसरे स्टेट्स को। तो गवर्नमेंट किस आधार में चूज करती है कि ये ठीक है और इनको रखना चाहिए, इनको नहीं रखना चाहिए? यहाँ के लोगों को छोड़ दो, वहाँ के लोगों को बचाओ, ये किस आधार में करता है? कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में तो एक होना चाहिए। और आप देखो, अरुणाचल का कोई बॉर्डर नहीं है, बाउंड्री नहीं है, उनको आपने एग्जेम्प्ट किया। मणिपुर का कोई बाउंड्री नहीं है बांग्लादेश के साथ, आपने उनको एग्जेम्प्ट किया। नागालैंड का कोई बाउंड्री नहीं है, सिक्किम का कोई बाउंड्री नहीं है, आपने एग्जेम्प्ट किया। और मेघालय, त्रिपुरा और आसाम जिसका बाउंड्री है, उनको आपने बोला एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। तो ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। और ये हमारा जो मर्जर है, ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए है। हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहते हैं, हम NRC त्रिपुरा में चाहते हैं, हम CA के खिलाफ हैं, हम इलीगल माइग्रेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी एंड कास्ट, उसके खिलाफ है। और ये हम लोग का, मैंने देखा है कि आज लोग ने कुछ क्वेश्चंस मोनिहार को भी पूछा। हम लोग एक मूवमेंट है और अपना मूवमेंट हम अपने आइडियोलॉजी में रह के ही करेंगे, हम लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जो आप लोग कह रहे थे, किसी ने सवाल पूछा कि अलायंस क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा, आप एक चीज़ सब लोग प्लीज़ समझ लीजिए, ये अपने सोच से हटा दीजिए। हम यहाँ में निगोशिएट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ में अपना डिमांड लेकर आए हैं। जो हमारा डिमांड राइटिंग में देगा, जो हमें अश्योरेंस देगा, हम उनसे बात करेंगे। अगर नहीं दिया राइटिंग में, तो हम किसी से बात नहीं करने।